आज मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं परमेश्वर की अपेक्षा पर बात करना चाहता हूं द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड फ्रॉम यू एंड आई प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की शालोम और सलामती आज मैं एक बहुत साधारण से लेकिन अनछुए विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं अक्सर हमने परमेश्वर की इच्छा पर बात की है सबको परमेश्वर की इच्छा पर पढ़ना बोलना सुनना जानना बहुत अच्छा लगता है लेकिन आज मैं परमेश्वर की इच्छा पर बात नहीं करूंगा इच्छा बहुत जरूरी है इच्छा है उसकी हम तो दुआ भी करते हैं मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो आज मैं बिल्कुल इसके फर्क लेकिन इसी से उठा हुआ इसी इच्छा से उठा हुआ एक विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिए मैं आज बहुत समय नहीं लूंगा और मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि यह सिर्फ इच्छा इच्छा करके हमने बहुत सी अपनी आशीषों को खो दिया हमारी है हमारी बीमारियां नहीं ठीक होती हैं हमारे दिल और दिमाग में शांति नहीं आती है हमेशा हमारा कलह रहता है हमेशा हम डरे हुए रहते हैं हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि किसको नीचा कर दें किसको ऊंचा कर दें ये सब बातें इसलिए कि केवल इच्छा इच्छा करके ना तो हमने इच्छा समझा और ना उससे उत्पन्न हुई एक जो दूसरी स्थिति है उसको हमने समझा उसी स्थिति पर मैं बात करूंगा मैं परमेश्वर की इच्छा पर आज बात नहीं करूंगा परमेश्वर की इच्छा है बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सी उसकी इच्छाएं हैं लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि परमेश्वर की इच्छा और उससे उत्पन्न हुई जो स्थिति है उसमें क्या अंतर है यहुन्ना की इंजील अगर आपके पास आपकी बाइबलें हैं तो निकालें यहुन्ना की इंजील और उसका छठवां अध्याय यमुना किंजील उसका छठवा अध्याय जॉन चैप्टर सिक्स और उसकी पांचवी आयत और छठवीं आयत बस दो आयते मैं पढ़ूंगा जॉन चैप्टर सिक्स वर्सेस फिफ्थ एंड सिक्स यमुना किंजील उसका छठवा अध्याय पांचवी और छठवीं आयत जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा यीशु ने फिलिपुस से कहा कब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं जब एक भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा यीशु मसीह जहां जाते थे भीड़ उनके पीछे भीड़ उनको खोजती उनके पीछे पीछे और यहां एक ऐसा दृश्य है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ हैं शायद फिलिप्पुस सबसे करीब होगा और एकाएक यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने फिलिपुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए अजीब बात है यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि हम लोग कहां से इनकी रोटी का इंतजाम करें कहां से खरीदा जाए इनकी रोटी फिलिप से कह रहे सोचिए यीशु मसीह अपने चेले से कह रहे हैं मैंने अभी आपसे कहा कि आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमेशा से अनछुआ रहा है और वो परमेश्वर की इच्छा नहीं उस पर तो बातें हो चुकी हैं यहां पर यीशु मसीह जिनके द्वारा सारी चीजें उत्पन्न हुई जो वचन का देह रूप था और वचन परमेश्वर था वो अपने चेले से कह रहा है कि इनके लिए हम रोटी कहां से मोल लाए इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास कहा ये फिलिप्पस को कहना चाहिए प्रभु जी क्योंकि आज के जो फिलिप्पस हैं, हम और आप हम तो यही प्रश्न करते रहते हैं ना प्रभु से कि प्रभु हमारे पास ये नहीं है और वो नहीं है और ये नहीं है और मिनिस्ट्री हम कहाँ से करें काश कि मेरे पास खिलाने के लिए लोगों को ये होता और वो होता हमारे पास हमेशा अपने अभाव का हम रोना रोते रहते हैं और यहां यीशु मसीह ने फिलिपुस से पूछा मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं क्योंकि हमने हमने कई बार यह सुना है कि ऐसा लगता है कि फिलिपुस ने कहा कि अरे हमारे पास पैसे नहीं है और इतने लोग की रोटी हम कहा यह प्रश्न तो यीशु मसीह ने किया था कि हम इनके लिए रोटी कहां से मोल लेके आए आगे सुनिए हालांकि उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा उसको मालूम था आज मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं परमेश्वर की अपेक्षा पर बात करना चाहता हूं the expectation of god from you and i we have heard and we have listened and we have read about the will of god but have you ever thought that these circumstances that arises after the will of god which is the expectation of god Have we ever thought of that? Have we ever fulfilled that? फिर से सुनिएगा कि परमेश्वर की इच्छा से जो स्थिति उत्पन्न होती है और वो क्या स्थिति है अपेक्षा की स्थिति है अब सुनिए इच्छा में और अपेक्षा में क्या अंतर है इच्छा अप्रत्यक्ष होती है वर्चुअल होती है विल इज वर्चुअल आप अपने दिमाग में सोचते हैं आपके पास बहुत सी इच्छा इच्छाएं हो सकती है। और परमेश्वर की भी बहुत सी इच्छाएं हैं और इसीलिए हम दुआ करते हैं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी पूरी हो इच्छाएं अप्रत्यक्ष है वो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन अपेक्षा प्रत्यक्ष होती है अपेक्षा में सच्चाई या रियलिटी होती है। जिसको बोलते ना रियलिटी शो यानी जो स्थिति वास्तविक स्थिति है इच्छा तो आपके दिमाग में है आपके हृदय में है आपके सोच में है आपकी बोली में इक्षा है अरे मेरी इच्छा ये अरे मेरी इच्छा ये परमेश्वर की इच्छा है बहुत अच्छा अपेक्षा क्या है कभी आपने अपेक्षा के बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है क्योंकि अपेक्षा पूरी की जाती है इच्छा के बाद की जो स्थिति होती है वो अपेक्षा की स्थिति होती दैट इज एक्सपेक्टेशन अब थोड़ा सा उदाहरण सुनिए साल भर बच्चे को टीचर ने पढ़ाया मां बाप की इच्छा थी स्कूल जाए उन्होंने फीस भरा उन्होंने बच्चे का दाखिला कराया हर दिन बच्चे को तैयार किया टिफिन दिया टाई लगाई उसको उसका जो ड्रेस है वो किया सब कुछ क्योंकि उनकी इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़े ये इनकी इच्छा अब अपेक्षा में तब्दील होती है कि बच्चा स्कूल जाता है बच्चे से यह अपेक्षा है कि वो स्कूल जाए माता पिता की इच्छा उनकी जो अपेक्षा थी उन्होंने पूरा कर दिया अब बच्चे से यह अपेक्षा है कि बच्चा स्कूल जाए टीचर ने साल भर पढ़ाया दिल लगा के पढ़ाया सबको बराबर समझाया आगे से लेकर के पीछे तक अब टीचर की क्या अपेक्षा है उसकी इच्छा नहीं है अरे काश कोई पास हो जाता अरे कोई एक दो जन ये उसकी इच्छा है कि सब पास हो जाए अब उससे जो उस इच्छा से जो अपेक्षा है वो आपको पूरी करनी है उसकी रियलिटी आप है। उन्होंने तो सोचा उन्होंने तो कहा कि भाई चाहता हूं कि मैं सब पास हो जाए मगर अपेक्षा क्या है कि आप पास हो जाए और ये अपेक्षा आपको पूरा करना है उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर अपनी कर दी अपनी इच्छा पूरी कर दी अब आपको उसकी उससे उत्पन्न जो अपेक्षा है एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करना है अब जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो ना तो आपके मम्मी है ना आपके पापा है ना वहां टीचर है उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा कर दिया उनका जो काम था उन्होंने पूरा कर दिया वो बाहर अपेक्षा लिए बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छे नंबरों से पास होंगे सवाल उन्होंने बिल्कुल सही किए होंगे और जो हमारी अपेक्षा है उस पर वो खरे उतरे होंगे अपेक्षा क्या थी कोई कोई ये बाहर खड़ा रहता एग्जाम हॉल के अरे अपेक्षा कर रहे हैं कि उसको चार सवाल ना आए हैं और वो जो है वो चार में और गड़बड़ा जाए ये कोई अपेक्षा अपेक्षा क्या होगी उनकी अपेक्षा यही है कि ये अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबरों से ये पास हो परमेश्वर ने हमारी सारी अपेक्षाएं पूरी की है मैं आज पूछना चाहता हूं आपसे आपने परमेश्वर की अपेक्षा कब पूरी किया है आप उसकी इच्छा ही जानना चाहते हो? मैं इक, उसकी इच्छा जानना चाहता हूं क्या इच्छा अरे वो इच्छा छोड़ दीजिए अभी अभी उसकी बात मत कीजिए क्योंकि शैतान आपको उस इच्छा के भवर जाल में ऐसा घुमा देगा कि आप अपेक्षा पर खरा ही नहीं उतरेंगे अब बच्चा रोज पूछे मम्मी आप क्या चाहती हैं आप क्या चाहती है अरे आप क्या चाहती हैं अरे मम्मी टाई लगा रही है मम्मी मम्मी रही है पॉलिश कर पापा आपको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं बरसात में और जाड़े में और गर्मी में रोज आप इच्छा ही पूछते रह जाएंगे अपेक्षा कब पूरी करेंगे थोड़ी देर मेरे साथ बागन में परमेश्वर ने इसके पहले की इंसान को बनाया एक मिनट इच्छा क्या थी परमेश्वर की उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी छब्बीसवीं इच्छा सुनिए इच्छा यह थी फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं दिस वाज द विल ऑफ गॉड यह परमेश्वर की इच्छा थी तब परमेश्वर ने अब उस इच्छा को परमेश्वर ने धरातल पर उतार दिया रियलिटी में बदल दिया तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नारी करके उत्पन्न किया परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी कर दी आज हम लोग इच्छा ही में पड़े हुए हैं उसने तो अपनी हर इच्छा पूरी की आप उसकी अपेक्षा कब पूरी करेंगे आदम को बना दिया लेकिन उसके पहले बागे अदन तैयार किया लिखा कि उसने एक वाटिका लगाई पूर्व में अदन की वाटिका लगाई उसमें नदियां बहाई फलदायी वृक्ष लगाए उसके अंदर खाने के लिए अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए अब अपेक्षा क्या थी तब यहवा परमेश्वर ने दूसरा अध्याय उत्पत्ति का और उसकी पंद्रह आय तब यह परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया अब यह धरातल पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जो उसने मनुष्य को बनाने की इच्छा जाहिर की थी उसको पूरा किया मैंने कहा इच्छा से ही अपेक्षा उत्पन्न होती है तो परमेश्वर ने सिर्फ रख नहीं दिया वहां पर अब यहीं से अपेक्षा एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड द विल ऑफ गॉड इज फुलफिल नाउ द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड अराइजेस अब परमेश्वर की अपेक्षा वहां उठती है कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे यह अपेक्षित है यही एक्सपेक्टेशन है भाई हमने तुम्हारे लिए बाग्यदन बना दिया तुमको बना दिया सारे इंतजाम कर दिया अब अपेक्षा तुमसे यह है अब दोबारा बनो मत इसके अंदर अब तो हमने बना दिया तुमको तुमको सिर्फ एक काम करना है कि तुमको इसमें काम करना है और इसकी रक्षा करना है इसको मेंटेन करना है इसको कीप इट क्लीन रखना है और इसकी रक्षा करनी है क्योंकि आदम को मालूम था या नहीं लेकिन प्रभु को मालूम था कि शैतान इसका विरोधी इसको बर्बाद करने के लिए चौबीस घंटे इस फिराक में है और इसलिए यह अपेक्षा थी उसको हुक्म नहीं दिया उसको रख दिया ये नहीं कहा कि तुमको ये करना है उसमें रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे ये एक्सपेक्टेड है इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं चाहता हूं कि तुम अब इसमें काम करो और इसकी रक्षा लिखने की जरूरत ही नहीं है कौन मां बाप कहता है मैं चाहता हूं कि तुम पास हो मेरी अपेक्षा यह है कि तुम पास अरे हमने स्कूल में दाखिला ही इसीलिए कराया है हम मर मर के तुम्हारी फीस ही इसीलिए दे रहे हैं। हम तुम्हारा हर इंतजाम कर रहे हैं हम तुमको एक स्टूडेंट लाइफ का पूरा जो इंतजाम होता है वो हम करके दे रहे हैं टीचर मन से भर भर के पढ़ा रहा है लिख के दे कि हमारी तमन्ना यह है हमारी अपेक्षा यह है कि तुम पास नेचुरली उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें एक बागेदन जैसी जिंदगी दी है मित्रों आपने कभी सोचा है कि इसका हम जिंदगी का क्या करें आप तो सिर्फ रोते रहते हैं ना तो आप काम करते हैं और ना आप इसकी रक्षा करते हैं और काम किसके लिए करना है जिसने हमें बनाया है उसकी सेवा करना यह काम है उसी बाग्यदन में ये जिंदगी बागन जैसी जिंदगी क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और जो कोई इसको नाश करेगा जो कोई इसको गंदा करेगा ये अपेक्ष आप, आप सोचिए एक मंदिर बन के तैयार हुआ है एक पवित्र जगह बन के तैयार हुई तो लिखा जाएगा किसके अंदर इसको ठीक रखना है और इस मंदिर में पूजा पाठ होनी है आराधना होनी वो एक्सपेक्टेड वो बनाया ही इसीलिए गया है आज हमको यह समझ में नहीं आता कि हमारी जिंदगी बनाई क्यों गई है हमें परमेश्वर ने इस धरती पर रखा क्यों है आज इस बाग अदन में इस सुंदर जिंदगी में जबकि कई लोग बाग अदन के बाहर परेशान हाल है सर से लेकर के पांव तक सिर्फ दुखी दुख है घाव ही घाव है लेकिन हम और आप खुदा ने हमें इतने अच्छे से रखा है उसका क्या एक्सपेक्टेशन है हम इनके लिए रोटी कहां से मोल लेकर क्या है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जवाब दें कि प्रभु जीवन की रोटी तो तू है क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा ये हम और आप जानते हैं कि नहीं ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए प्रभु आपके लिए कोई चीज असंभव है आप तो आंधी और तूफान को रोकने वाले हैं अगर तू चाहे प्रभु जी एक इतना सुंदर एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ जब यीशु मसीह ने बर्तुल में जो अंधा था उससे पूछा तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं ये कि मुझे आंखें मिल जाए ये एक्सपेक्टेशन था यह अपेक्षा थी यीशु मसीह यही जवाब सुनना चाहते थे और यही जो उन्होंने सवाल किया था उससे उत्पन्न जो स्थिति थी अपेक्षा की यही जवाब होता यही अपेक्षा पूरी तरीके से पूरी हुई आज हमें आंखें नहीं चाहिए जब हम वचन पढ़ते हैं कैसे पढ़ें कि किसी को नीचा कर दे कैसे पढ़े कि किसी को कुछ कर दे आप ये कहिए प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं मित्रों आज प्रभु हमारा हमसे बहुत कुछ अपेक्षाएं रखता है जानते हैं क्यों क्योंकि उसने इतना किया है आप इतना की बात कर रहे हैं मैं तो ये तो बहुत छोटा वर्ड में लगा रहा हूं उसने तो सब कुछ किया है क्रूस पर जाकर के उसके वचन जानते क्या थे सात वचनों में एक बहुत महत्वपूर्ण वजन इट इज फिनिश्ड पूरा हुआ इट इज कंप्लीटेड मैंने सब कुछ कर दिया है अब तुमसे अपेक्षाएं हैं मेरी इच्छा पूरी हो गई है जितना मुझे तुम्हारे लिए करना था मैंने आखिरी बूंद अपने रक्त की आखिरी बूंद बहा दी तुम्हारे लिए मेरे पांजर से निकला हुआ वो रक्त और वो पानी वो सब कुछ तुम्हारे लिए है अब तुमसे अपेक्षा है कि उस खून की और उस पानी की रक्षा करो उसकी देखभाल करो उसकी इज्जत करो उसको पवित्र मानो इस कलीसिया को पवित्र मानो इस सहभागिता को पवित्र मानो क्योंकि उसके पांजर से जो खून और पानी निकला मित्रों उससे कलीसिया उत्पन्न हुई न्यू टेस्टमेंट की नए नियम की हमारे जो हम जिस जमाने में रहते इस नियम की ये कलीसिया शुरू हुई कलीसिया ये नहीं करती कलीसिया वो नहीं करती जी साहब ये नहीं देते पाई साहब वो नहीं करते बिशप साहब ने मित्रों बजाय ये कहने के आप अपने से पूछिए कि अब मेरी मेरे से क्या अपेक्षा है आप क्या चाहते कि मैं करूं प्रभु आपने तो सब कुछ कर दिया अगर तू चाहे तो तू कर सकता है यीशु मसीह ने फिलिपुस से पूछा भीड़ को देख करके इनके लिए रोटी कहां से मोल लेकर के आए वो अपेक्षा कर रहा था कि फिलिपुस एक ऐसा जवाब देगा जो अपनी अपेक्षा पर वो खड़ा उतरेगा अपने इस बागे अदन जैसी जिंदगी की इस परमेश्वर के मंदिर की इसमें काम करिए और इसकी रक्षा कीजिए क्योंकि आपका बैरी शैतान आप सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरी घरवाली, मेरे घर वाला मेरे बच्चे ये लोग आपके दुश्मन या नहीं 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 नहीं, नहीं मित्रों इनको मत दोष दीजिए अरे वो फलाने और वो फलाने उन्होंने हमको ऐसा कहा नहीं ये इब्लीस है जो इस मंदिर को गंदा करना चाहता है उस बागे अदन में वो घुस गया काश की आदम वहां होता वो सिर्फ काम करता रह गया होगा रक्षा करना वो भूल गया कई बार हम रक्षा ही करते रह जाते हैं और काम करना भूल जाते हैं हम इतने डिफेंसिव हो जाते हैं हम इतने ज्यादा अपने आप को सुरक्षात्मक हो जाते नहीं भैया हम तो उनसे नहीं बात करते हम तो उनसे नहीं बात करते और हम ऐसा नहीं करते इतने भी सुरक्षात्मक हो, मत हो जाइए कि आप सेल्फ रायचस हो जाइए आप खुद पवित्र हो जाइए नहीं आपको काम भी करना है और उसकी रक्षा भी करनी है क्योंकि जो कोई इस मंदिर को गंदा करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा हर एक वस्तु जो उलझाने वाली है मित्रों लिखा क्या हो इसलिए हर एक जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं तो हर एक उलझाने वाले पाप कई बार पाप हमें नष्ट नहीं करते उलझा देते हैं मित्रों और मैं चाहता हूं कि आप पूरी सजगता रखिए और एक और बात करके मैं खत्म करना चाहता हूं उसकी अपेक्षा है कि आप कम से कम उसको धन्यवाद देते रहें और इसका बहुत सुंदर उदाहरण वो दस कोढ़ी थे यशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अरे मेरी इच्छा थी कि वो नौ भी वापस आ जाते यही मेरी इच्छा है और मैं यही दिस इज माय विल नो ही डिड नॉट यूज़ वर्ड विल उसने अपनी इच्छा और अपनी तमन्ना अपनी डिजायर की बात नहीं की उसने एक्सपेक्ट किया था कि सब लौट करके आएंगे उसने कहा नौ कहा गए क्योंकि अपेक्षा इच्छा तो पूरी हो गई थी जहां अपने आप को जाओ अपने आप को याचकों को दिखाओ वो जाते जाते वो चंगे हो गए उसकी इच्छा पूरी हो गई वो चाहता था कि वो चंगा हो गए वो चंगे हो जाए मगर आज एक अपेक्षा थी उस इच्छा से उपजी हुई उभरी हुई जो स्थिति थी वो धन्यवाद की थी आज प्रभु ने कितनी बार अपनी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी की है अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि हम उसकी अपेक्षा पर खड़े उतरे वो नौ कहां गए मैं सोच रहा था मैं अपेक्षा कर रहा था इट इज एक्सपेक्टेड जब आप कुछ खरीदने जाते आपने अगर एक किलो टमाटर के लिए पैसे दिए तो अब आपकी ये इच्छा नहीं है कि ये सही तौले, अच्छे टमाटर लाल टमाटर पिलपिले वाले ना डाले उस पर ये इच्छा रही अरे मेरी तो यही इच्छा थी हां मान ली घर आप सारे पिलपिले वाले टमाटर लेके पहुंचे वाइफ ने पूछा क्या ये पिलपिले लेकर के आए तो आपने कहा अरे भाई क्या करे हमारी तो इच्छा यही थी कि वो अच्छे टमाटर जी नहीं ये इच्छा नहीं है एक, एक्सपेक्टेशन है और जब वो और एक बात जब वो एक्सपेक्टेशन पर आपकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरेगा आपने एक किलो का पैसा दिया वो आधा किलो तो लेगा उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी उसको आपकी बातें आपका क्रोध सहना पड़ेगा तुमको समझ में नहीं आ रहा है हमने एक किलो का पैसे दिए हैं तुमको और तुम देखो कितना बटकरा चढ़ा हो इतने किले तो तुम बेवकूफ रही हो कई बार हमको क्रोध का सामना करना, करना पड़ता है परमेश्वर के हमको अच्छी अच्छी आशीषों से वंचित रह जाना पड़ता है अपनी बीमारियों की चंगाई से वंचित रह जाना पड़ता है घर में खुशियों से वंचित रह जाना पड़ता है संतान की आशीष से वंचित रह जाना पड़ता है क्योंकि हम उसके एक्सपेक्टेशन पर उसकी अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरे आप क्या अपेक्षा करते है? जब आपने पूरे पैसे दिए दस रुपए किलो आपने दस रुपया दिया है आपके कटे फटे नोट उसने लौटा दिया आपने बढ़िया नोट दिया उसको पूरा का पूरा आपने नौ रुपया निन्यानवे पैसा नहीं दिया आपने पूरे दस रुपये उसको दिए अपेक्षा क्या है कि एक किलो से एक ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए और सारे टमाटर बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए यह आपकी सोचिए एक इंसान होकर के हमारी यह अपेक्षा है एक घड़ा खरीदने जाते दस रुपए का बीस रुपए का आप क्या अपेक्षा अरे मेरी इच्छा है कि इसमें छेद ना हो और इसमें से पानी जी नहीं आपकी अपेक्षा है ये एक्सपेक्टेशन है कि जो ये घड़ा ये दे रहा है इसके अंदर से पानी नहीं छुएगा ये घड़ा बिल्कुल ठीक होगा ये गड़ा पानी ठंडा रखेगा आप सोचिए हम छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी अपेक्षा रखते हैं आपका बनाने वाला आपका सिर्जन जिसने क्रूस पर अपनी जान देकर अपने हाथों में कीले ठुकवाकर अपने पैरों में कीले ठुकवाकर उसके किलो में कीले ठुकी, उसके हाथों में कीले ठुकी, कि हमारे हाथ उसके लिए उठ जाए उसके लिए स्तुति और प्रशंसा करें अभी भी हमारे हाथ यहां बंधे हुए हम तो हमको तो मालूम ही नहीं रहे हो कि अपेक्षा अरे उसने तो अपने हाथ छिदवा दिए आप अपने हाथ नहीं उठा सकते उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए उसके मुंह पर थूका गया और आप अपने मुंह नहीं खोल सकते उसकी प्रशंसा करने के लिए उसके पैरों में कीले ठोकी गई आप उसके लिए दो कदम चर्च नहीं जा सकते आप दो कदम किसी के यहां जाकर के ये गुड न्यूज नहीं दे सकते अपेक्षा तो उसकी बहुत है मित्रों खरे कितने उतर रहे हैं आप आप उसकी इच्छा मत पूछिए इच्छा को तो उसने क्रियान्वित कर दिया उसकी तो यह इच्छा है कि सबका उद्धार हो उसकी तो बहुत सी इच्छाएं हैं जो उसने हमारे लिए पूरी कर दी अब अपेक्षा है वो हमको और आपको पूरा करना है और अगर वो हमने पूरा नहीं किया तो हम दंड के भागी होंगे मैं भूखा था तुमने मुझको खाना नहीं खिलाया मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए मैं जेलखाने में था तुम विजिट करने नहीं आए एक्सपेक्टेशन था मैं जेलखाने से क्या तुमको चिट्ठी लिखता मैं फोन करता कि आओ मुझसे मिलने के लिए ये एक्सपेक्टेड था जब तुमको मालूम है कि वो जेल खाने में जब कोई बुरी संगति में है जब किसी ऐसे व्यसन में है जहां से वो निकल नहीं पा रहा है जब वो कैद हो गया अपनी बातों में अपने विचार में कई लोग जरूरी नहीं है कि लोहे के सीकड़े हो तभी आप जेल में हो कई बार लोग अपनी आदतों के अपने क्रोध के अपनी ईर्ष्या के जेल में बंधे हुए हैं विजिट कीजिए उनको परमेश्वर के कलाम से विजिट कीजिए अरे उन्होंने हमसे कहा नहीं कि कुछ कहा नहीं नेक सामरी पड़ा हुआ था उसने नहीं कहा अरे बाबू थोड़ा सा तेल लगा दो थोड़ा सा कपड़ा बांध दो हमको हॉस्पिटल वो तो अधमुआ पड़ा हुआ था तुम वहां से गुजर रहे थे क्या एक्सपेक्टेड था जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा आज प्रभु बहुत सी तमन्नाएं बहुत से एक्सपेक्टेशन लिए हमारा वेट कर रहा है और एक बार आप उसके अपेक्षाओं पर खड़े उतर जाइए हाँ ले मित्रों जो सब्जी वाला मैं बहुत साधारण उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं एक सब्जी वाला आपको बराबर सही तौल करके हो सकता है एक ग्राम ज्यादा ही आपको तौल करके अच्छे से अच्छी सब्जियां दे मेरा दावा है कि जब आप दोबारा जाएंगे बाजार आप खोजेंगे कि वो कहां है आज प्रभु खोज रहा है कौन मेरी अपेक्षा को पूरा करेगा जो एक्सपेक्टेड है मैं और आशीषे देना चाहता हूं मैं और बरकतें देना चाहता हूं मेरे पास भंडार है लेकिन तुम मेरी अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतर रहे हो उड़ाऊ पुत्र का बाप सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो वापस आ जाए बाकी तो सारी आशीषे और एक दिन वो वापस आ गया उसके उसने अपने बाप के एक्सपेक्टेशन को अपेक्षा को पूरा कर दिया मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं अगर आप अपने बाप से दूर हो गए आप बाइबल से कलाम से दूर हो गए पवित्र आत्मा से दूर हो गए दुआ से दूर हो गए दशवे से दूर हो गए वापस आ जाइए क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है उसने आपको इतना दिया है कि आपके पास अब बहस करने की कोई जगह नहीं ये टाइम है उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने का आइए अपने अपने आप को जांचे अपनी आंखों को बंद करके उसके सामने घुटने टेक करके कहिए प्रभु मैंने तेरी इच्छा तो बहुत सुनी और मेरी भी बहुत सी इच्छाएं हैं लेकिन क्या मैं तेरी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूं क्या मैं तेरी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा हूं आज हमें ताकत दीजिए आज हमको रिमाइंड कराइए हमारे दिमाग को दिल और दिमाग को नया कीजिए रिन्यू कीजिए ताकि तेरी अपेक्षाओं पर हम पूरी तरीके से और हर समय खड़े उतरे प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे जय मसी